सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टिप चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या हमारी आईआईटी जोधपुर की बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की डिग्री वर्थ इट है या फिर नहीं। तो फर्स्टली इस डिग्री का हम कंपैरिजन आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पटना जैसी कुछ बीएस और बीएससी की डिग्रियों से करेंगे और वहाँ पर हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि क्या हमारी आईआईटी जोधपुर की डिग्री इन सारे डिग्री से अच्छी है। उसके बाद हम आईआईटी जोधपुर के डिग्री के कुछ डेटास को देखेंगे, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे कि हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए और ये डिग्री हमारी सबसे अलग क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और एट लास्ट आप एक खुद कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हमें आईआईटी जोधपुर की डिग्री करनी चाहिए या फिर आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी की डिग्री की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर बीएस डिग्री की। जिसे नहीं पता है आज एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, वरना मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई है आईआईटी जोधपुर बीएस डिग्री के ऊपर। अगर आपको वो देखनी है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आईआईटी जोधपुर की डिग्री के ऊपर हम एक थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो आईआईटी जोधपुर हमें बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड कराता है, सेम लाइक आईआईटी मद्रास। ड्यूरेशन इसकी 4 ईयर्स है। फीस आपकी 4.55 लाख है फॉर 4 ईयर्स। एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री यहाँ पे आपको क्वालिफायर्स एग्जाम और जेई बेस्ड एंट्री दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे 10+2 विद PCM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर हो जाता है आईआईटी मद्रास की डिग्री से। यहाँ पे आपको 10+2 विद PCM चाहिए, बट आईआईटी मद्रास में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप अगर 12th पास हैं देन आप आईआईटी मद्रास की डिग्री की तरफ जा सकते हैं। तो आप इन सारे डिफरेंसेस को एक बार माइन्यूटली देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स भी चाहिए हो रहे हैं PCM में। ओके, देन हम 6 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 6 पॉइंट क्रेडिट्स यहाँ पे हमें अभी तक कुछ पता नहीं चले हैं। और यहाँ पे ऑन सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेम लाइक आईआईटी मद्रास। ओके, तो ये सारी चीज़ें आईआईटी मद्रास से ज़्यादा डिफर नहीं कर रही हैं। अगर आपको आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री के बारे में पता होगा तो ये सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे बेनिफिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं, पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे आईआईटी जोधपुर की। आईआईटी जोधपुर में हमें ऐसी क्या बेनिफिट्स मिलती हैं जो हमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी में नहीं मिलती हैं। मोस्टली यहाँ पे बेनिफिट्स आपको आईआईटी जोधपुर वाली आपको आईआईटी मद्रास में भी मिलेगी, आईआईटी पटना में मिलेगी और आईआईटी गुवाहाटी में भी मिलेगी। बट यहाँ पे एक दो ऐसी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है बिकम द एलुमनाई ऑफ आईआईटी जोधपुर आफ्टर दिस डिग्री। तो ये आपका सेम है आईआईटी पटना में भी, आपका सेम है आईआईटी गुवाहाटी में भी और सेम है आपका आईआईटी मद्रास में भी। तो यहाँ पे कोई भी आपके डिफरेंसेस नहीं है। आप जिस भी डिग्री को पूरा कंप्लीट करेंगे आप वहाँ के उस कॉलेज के एलुमनाई बन जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर इफ हैविंग 60% इन योर बीएस। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आप डायरेक्ट मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स में आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी जोधपुर से बिना किसी गेट एग्ज़ाम के। बस आपको क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखना होगा, एक आपका कंडीशन क्या है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अपने बीएस डिग्री में। तो ये आपका जो थोड़ा सा पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके आईआईटी पटना से, आईआईटी मद्रास से और अपने आईआईटी गुवाहाटी से। आईआईटी मद्रास में भी अब ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, बट आईआईटी मद्रास खुद के आईआईटी में ना रख के आईआईटी रोपर में आपको एमएस करने के लिए भेज रहा है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है कैंपस वाली तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एमटेक की डिग्री मिल रही है बिना किसी गेट एग्ज़ाम के और बिना किसी आपको, मतलब गेट एग्ज़ाम तो हो गया आपका, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको यहाँ पे आईआईटी जोधपुर की डिग्री मिल रही है मास्टर्स की भी। बट यहाँ पे कंडीशन है 60% से आपका बीएस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगी है मुझे आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी के डिग्री से। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारे ट्रांजिशन टू टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज़ फॉर मास्टर्स विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है आपका थर्ड पॉइंट, ये भी सबसे ज़्यादा डिफरेंट है आपके आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना की डिग्री से। तो ये क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अपनी पूरी बीएस की डिग्री आईआईटी जोधपुर से कंप्लीट कर रहे हैं देन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप यूएस जाके पढ़ाई कर सकते हैं, आप एब्रॉड जाके, फॉरेन जाके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
वहाँ से अपना आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी मेंशन किया था, फॉरेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी मेंशन किया था, मैंने यहाँ पे उसे मेंशन नहीं किया है, बट आप यहाँ से जान सकते हैं कि आप यूएस जा सकते हैं, यूएस में जाके अपनी मास्टर्स को कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। बस आपको यहाँ पे क्या चीज़ करनी होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है उस यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप यूएस में कहीं भी ले रहे हैं वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आपको यहाँ पे इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा या फिर आप आइल्स दे दीजिए, टॉयफल दे दीजिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ देनी होगी, बस आप ये सारी चीज़ें दीजिए, आपका एडमिशन लेटर सीधा आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपके पास आ जाएगा, आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करिए और आप खुद जाके यूएस में अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी है खुद से, जो कि आपकी आईआईटी पटना, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मद्रास में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे अपने मास्टर्स को कर सकते हैं और ऊपर से अपने मास्टर्स को आप फॉरेन से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं अपनी आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना की डिग्री से। तो आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखिएगा और आप खुद से एक कंक्लूजन बनाइएगा लास्ट में कि हमें आईआईटी जोधपुर की डिग्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, कैन अटेंड बीटेक एज वेल एज बीएस फेस्ट एंड इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, आप किसी भी आईआईटी के बीटेक फेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ के बीएस वाले स्टूडेंट्स के फेस्ट में जा सकते हैं, आपको बस उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पटना और आपने आईआईटी मद्रास से सेम ही हैं, यहाँ पे आपका कुछ डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कैन गो फॉर डुअल डिग्री, तो डुअल डिग्री आप आईआईटी गुवाहाटी से भी कर सकते हैं, आईआईटी पटना से भी कर सकते हैं और आईआईटी मद्रास से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन सारे पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सिक्स पॉइंट हमारा, 3 to 5 days ऑफ कैंपस इमर्जन, सॉरी कैंपस, हाँ वही कैंपस इमर्जन आपको मिलेगा साल भर में 3 से 5 दिन का। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे सेवन्थ वाला पॉइंट अगर हम देख लेते हैं, सेवन्थ वाला पॉइंट हमारा कुछ डिफरेंट है आपने सारे डिग्री से। ओके, तो यहाँ पे आप सेवन्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विल गेट 12 months ऑफ कॉरपोरेट एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएटिंग। तो आप जैसे ही अपने आईआईटी जोधपुर के इस डिग्री को कंप्लीट करने वाले रहेंगे, इससे पहले आपको 12 months का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आईआईटी मद्रास में भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आईआईटी मद्रास में आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं, आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, बट यहाँ पे आई थिंक ये लोग आपको किसी कंपनी में भेज के वहाँ पे खुद से इंटर्नशिप कराएंगे। तो ये चीज़ें आपकी आईआईटी मद्रास से थोड़ी सी सिमिलर हो जाती हैं, बट आपकी आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी से एकदम से डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 points बताए हैं, गोले वाले आप पॉइंट्स देख लीजिएगा, ये तीनों पॉइंट्स आपके डिफरेंट हैं बाकी आपके तीनों आईआईटी से। ओके, तो आप इन तीनों पॉइंट्स पे एक बार अच्छे से नज़र दौड़ा लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम आगे, देन उसके बाद हम इस डिग्री को देखते हैं कि आपको डिग्री कैसी मिलने वाली है आईआईटी जोधपुर से। मैंने आपको आईआईटी गुवाहाटी की डिग्री दिखा दी थी, सैंपल सर्टिफिकेट वहाँ का दिखा दिया था, आईआईटी मद्रास का भी मैंने आपको दिखा दिया, आईआईटी पटना का अब तक मैं नहीं ला पाया हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आईआईटी पटना की भी आपको डिग्री दिखा दूँ कि आपको 4 years के बाद कैसे डिग्री मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हम आईआईटी जोधपुर की डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा लिखा रहेगा आईआईटी जोधपुर हिंदी में, यहाँ पे आपका आईआईटी जोधपुर इंग्लिश में लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका ब्रांच लिखा रहेगा, ओके, यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा और यहाँ पे कहीं भी फिर से मेंशन नहीं होगा कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं भी फिर से मेंशन नहीं है कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेनिफिशियल मुझे लग रही हैं और सिमिलर ही लग रही हैं आईआईटी मद्रास की डिग्री जैसी। ओके, अब मैं एक बार आपको यहाँ पे पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ, उससे पहले अगर आप आईआईटी मद्रास के बीएस के स्टूडेंट हैं और आप अभी सितंबर बैच में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है लेट्स लर्न। तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, लेट्स लर्न में आपको फुल कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पे आप क्विज़ 1, अगर आपका क्विज़ 1 है, आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको आईआईटी मद्रास के लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में सारे लेक्चर्स हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आपको लग रहा है कि मुझे हिंदी में ये सारे लेक्चर्स अगर कहीं से मिल जाते तो मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लेता, तो यहाँ पे आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी हैं और बहुत सारे आपके माइनर पे स्केल पे भी हैं, आप यहाँ पे 140 rupees पे करके इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने CGPA को मेंटेन कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्विज़ 1 का कोर्स है, देख सकते हैं, क्विज़ 2 का भी आपका यहाँ पे कोर्स है, तो आपको जिसमें भी टफनेस लग रही है,
जैसे क्विज वन आपको आसान लग रहा है, क्विज वन आपने कंप्लीट कर लिया, बट आपको क्विज टू में लग रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं अटक ना जाऊं, तो आप क्विज टू का कोर्स ले सकते हैं। क्विज टू आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपका यहाँ पे डाउट सेशंस भी होंगे, तो आप यहाँ पे क्विज टू के कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको एंड टर्म में लग रहा है कि एंड टर्म में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, कहीं एंड टर्म में मैं फेल ना हो जाऊं, एंड टर्म में मेरा CGPA ख़राब ना हो जाए, कहीं मुझे डिग्री से बाहर ना निकाल दिया जाए, तो आप एंड टर्म के भी कोर्सेज को यहाँ पे ले सकते हैं। इन कोर्सेज को लेने से पहले आप यहाँ पे अगर कूपन कोड यूज़ करेंगे मेरा, यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, बाई कोर्सेज आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे लेट्स लर्न की साइट पे जाके, यहाँ पे आप जैसे ही बाई कोर्सेज करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कोड आएगा। आप यहाँ पे जैसे ही मेरा अप्लाई कोड कर देंगे, जैसे SHUBH10 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और अप्लाई आप जैसे ही करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज के ऊपर। 140 rupees इसका प्राइस है और आपको यहाँ पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो आप इन कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे मैं चीज़ बता दूँ कि क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो आपके मतलब हमारे आने वाले हैं सितंबर बैच के जो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ क्वालिफायर्स का अपना अल्फ़ा बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे जाके अल्फ़ा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर 15 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और पिछली बार सारे के सारे अल्फ़ा बैच वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट कर गए थे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कूपन कोड वैसे ही अप्लाई एक बार कर लीजिएगा। कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं, की फीचर्स लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी सपोर्ट आपको मिलेगा, लाइव सेशंस आपके होंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके होंगे, PYQ सेशंस आपके होंगे, मॉक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, रिवीजन सेशंस आपके होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और स्टैट्स आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे ये मनी बैक की गारंटी भी देते हैं, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको मनी बैक यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए आई थिंक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको IIT मद्रास के लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप किसी भी लेवल पे हैं, आप इन कोर्सेज को आके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फिर से IIT जोधपुर के कोर्स की तरफ। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी, यहाँ पे आप खुद से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले भी एक बार बताया था, आपका एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, आप जाके IIT जोधपुर के कोर्सेज की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। ये अपना IIT गुवाहाटी का आ गया। अब जो मेन डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, अपनी मेन डिफरेंस यहाँ पे आ गई IIT जोधपुर के कोर्स की। मैंने वहाँ पे भी 3 points पे गोला मारा था, आप वहाँ पे भी देख सकते थे, बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ रहा है, जो की डिफरेंस अपना आ रहा है, IIT जोधपुर हमें बिना गेट एग्ज़ाम के डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है मास्टर्स प्रोग्राम में, मतलब MTech प्रोग्राम में आपको बिना गेट एग्ज़ाम दिए एडमिशन मिल जा रहा है, अगर आपके BS में 60% ऑफ मार्क्स हैं देन। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग लगी हैं मुझे इन तीनों IITs के कंपैरिजन में। तीन IITs कौन कौन सी, IIT पटना, IIT आपका IIT गुवाहाटी और अपना IIT मद्रास। सेकंड जो पॉइंट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है वो है हमारा, कैन कंटिन्यू योर मास्टर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट। तो बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए, बिना उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिए, आप यहाँ पे अपनी मास्टर्स को कर सकते हैं फॉरेन में जाके। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी IIT जोधपुर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको 3 factors ऐसे बताए हैं जो कि आपके IIT से, आपके तीनों IIT से जो आपकी BS डिग्री और BSc डिग्री प्रोवाइड कर रही है उनसे डिफरेंट है। अब डिसीज़न आपका है, आपको IIT मद्रास की तरफ जाना है, IIT जोधपुर की तरफ जाना है, IIT गुवाहाटी की तरफ जाना है, या फिर IIT पटना की तरफ जाना है। IIT मद्रास की डिग्री अपने जगह है, IIT जोधपुर की डिग्री अपने जगह है, IIT गुवाहाटी की डिग्री अपने जगह है, और IIT पटना की डिग्री अपनी जगह है। सारी डिग्रीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अब आपके ऊपर है आपको किस IIT में जाना है, आपकी ड्रीम IIT कौन सी थी, आपको कहाँ का कोर्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहाँ आप फीस में सुटेबल हो रहे हैं। ओके, तो आप इन सारे पॉइंट्स को माइंड में एक बार रख लीजिएगा। फीस हो गया आपका, आपका ड्रीम IIT कौन सा था, कोर्स आपको किस IIT का अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आपका किस फील्ड में है, CSE में है या फिर आपका डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ये सारी चीज़ें आप एक बार माइंड में रख के ही अपनी IIT की इस BS डिग्री को सेलेक्ट करिएगा। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और एट लास्ट आपका ही डिसीजन है आपको कहाँ जाना है, किस IIT में जाना है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपने अपना डिसीजन बना लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आके इंस्टा, लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में तो छोटे छोटे आंसर्स मैं कर देता हूँ, बट इंस्टा या लिंक्डइन पे अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो वहाँ पे आपकी कुछ बड़े बड़े जो क्वारीज होते हैं मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।